हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ट्यूब रोहित। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रक्तदान पर निबंध। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और साथ ही घंटे का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं रक्तदान पर निबंध। रक्तदान मानव के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। यह हानिकारक नहीं है, और जो व्यक्ति रक्तदान करता है वह कुछ दिनों के भीतर कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न कर सकता है। इससे मानव शरीर को कोई खतरा नहीं होता है। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। खून की कमी के कारण कई बीमारियां होती हैं, जिससे लोग मर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें उचित समय पर रक्त नहीं मिलता है। अगर हम रक्तदान करते हैं तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। मानव शरीर में विभिन्न रक्त समूह मौजूद हैं, जो ओ ए बी और ए बी है। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों, यानी कि हर ग्रुप को रक्त दे सकता है, और ए बी यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि हर ग्रुप का रक्त ले सकते हैं। रक्तदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में कई अभियान चलाए जाते हैं। रक्तदान हमारा मानवीय कर्तव्य है। यह हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करता है, और हमारा शरीर कुछ घंटों के भीतर रक्त कोशिकाओं को पुनः बनाता है, यानी कि दोस्तों दोबारा ब्लड बनने लग जाता है। इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि ये कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। इसलिए हमें आसानी से रक्तदान करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ताजगी बनी रहे, और यहाँ तक कि हम लोगों का जीवन बचाकर बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा बनाया हुआ ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए दोस्तों। और कमेंट में ये लिखना ना भूलें, मैं अगला ऐसे एप्लीकेशन, लेटर, स्पीच, पैराग्राफ कौन सा डालूं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जो आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा। धन्यवाद।